साल में जितने जेई में क्वेश्चंस आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो जेई 2014 में आया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि आपने कंप्लीट कंबर्शन करवाया है, किसमें? बॉम कैलोरी मेकर में, किसका? इथेनॉल का। और इथेनॉल के कंबर्शन में क्या रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की, और दो चीजें ही प्रोड्यूस होंगी, एक तो CO2 दूसरा H2O। इस केस में आपको टोटल जितना यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट दिया है 1364.47 किलोजूल पर मोल। कि इतना हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हीट लिबरेट किया है उस कंपाउंड ने, तो हीट लिबरेट से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है बॉम कैलोरीमीटर का। तो बॉम कैलोरीमीटर से जितना हीट उसने लिबरेट किया है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो यहां पर डेल्टा ई का वैल्यू दिया हुआ है, और क्योंकि हीट लिबरेट हुआ है, प्रोड्यूस किया है उसने, तो माइनस में आएगा -13, और साथ में डेटा कितना है 1364.47 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा ई का वैल्यू आ गया उसका, क्योंकि वो जला है, इंटरनल एनर्जी उसकी घटी है, तो माइनस में आ गया। तो डेल्टा ई वैल्यू पता लगे। अब फाइनली हमें पूछा गया डेल्टा एच, देखिए क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग ये डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा ई। और वैसे नॉर्मली क्या होता था, डेल ई प्लस पी डेल वी, पर यहाँ पर वर्क डन नहीं हुआ, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने ये फॉर्मूला जिनको नहीं पता है, मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फाइनली डेल्टा एच का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा है, सो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है हमें -13.64, ये कितना है 1364.47, ये रखिए किलो जूल में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इन किलो जूल, तो इसको भी हमें किलो जूल में ही कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। प्लस व्हाट इज द वैल्यू डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट साइड। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, आपको ये इनकी फेजेस दी हुई, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ CO2 जो गैसेस फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन है जिसके जो गैसेस फॉर्म है जिसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू गैसेस प्रोडक्ट मोल्स कितने हैं 2 माइनस, क्योंकि लिक्विड में इसको नहीं लेंगे, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ ऑक्सीजन है उसके कितने हैं 3, तो कितना आ गया -1। तो यहां पर डेल्टा एन जी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया -1, तो मैंने रख दिया -1। आर की वैल्यू 8.314 जूल में इसकी वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखिए ये दे रखा आपको, ये होता है जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये दे रखा आपको इनटू केल्विन में टेंपरेचर रख रहा है आपको, टेंपरेचर कितना दिया हुआ है यहां पर टेंपरेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कितना हो गया 300, क्योंकि ये आपने किलो जूल में रखा है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे -1364.47 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसको कैलकुलेट करके आपको रखना है, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये ओवरऑल कितना आया, दैट इज आपको 3.8314। ये आपको क्या करना है, माइनस माइनस का आपको आंसर किसमें आएगा, पहली बार तो माइनस में, और इतना आपको एडम कर देना है, तो वो दिखाई दे रहा है आपको 0.8 × 3 कितना होगा 2.4 अराउंड, तो वो कैलकुलेट करके अगर इसके अंदर रख दें तो माइनस माइनस वो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1366 अराउंड आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से सीधे सीधे मेरे कैलकुलेशन के आंसर कितना आ रहा है बी, so the answer of this question is B, दिखाई दे रहा है, फिर से बता देता हूँ 0.8 × 3 it is around 2.4 isn't it, तो वो जोड़िए आप इसके अंदर, तो 2.4 अगर जोड़ दें तो 1364, तो already इसमें दो और जोड़ दो तो 1366 हो जाएगा, तो आंसर आ गया, क्लियर है सबको। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया -1366.95, तो इसका आंसर कितना आ गया -1366.95 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इससे पहले इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि जेई 2011 में आया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर व्हिच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है,
किसी गैस का, गैस की वैल्यू कितनी है? 2 मोल्स, 2 मोल है। इसका वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है? 10 डेसीमीटर क्यूब से कितना जा रहा है? 100 डेसीमीटर क्यूब तक जा रहा है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आंसर निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास हम जानते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होता है, दैट इज क्यू ऑफ रिवर्सिबल बाय टी। देखो फॉर्मूला याद होना आसान बात नहीं है, फॉर्मूला याद करके सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं याद है तो इतना तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला हम लोग यहीं से तुरंत ड्राइव भी कर सकते हैं अगर हमें याद नहीं है तो। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर चेंज क्यू का मतलब है कि हीट का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी आप हीट देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटरनल एनर्जी। से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन को कैसे लिखेंगे? ई डेल वी। ये तो लिखते हैं, जो भी आप हीट देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, जिसको हम क्या लिखते हैं? पी डेल वी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, टेंपरेचर में तो चेंज आ ही रहा ना, टेंपरेचर तो उतना ही। जब टेंपरेचर में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो जो भी आपने हीट दिया यानी कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? ई डेल वी। लेकिन यहां पर प्रेशर तो दिया ही नहीं हुआ। अब अज्यूम करते हैं आइडियली अगर इस गैस को, तो हम जानते हैं पी वी इसका सूत्र क्या होता है, एनआरटी होता है। तो यहां से आप क्या करो, पी की वैल्यू निकाल लो। सो पी इसका सूत्र क्या होगा? एनआरटी बाय वी। ये पी की वैल्यू उठा के अगर मैं बाहर रख दूं तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज एनआरटी, और साथ में क्या आ गया? डेल डेल वी बाय वी। ये तो है, और क्यू की वैल्यू अगर मैं उठा के बाहर रख दूं तो डेल्टा एस का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज एनआरटी डेल वी बाय वी, और साथ में क्या? डिवाइडेड बाय टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एस का वैल्यू यहां पर दिखाई दे रहा है, दैट इज एनआर यहां पे डेल वी बाय वी। और ये ध्यान रखना आपको, यहां भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है? आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंट्रोपी में चेंज s2 से s1 मान ले, वॉल्यूम में चेंज p1 से p2 मान ले। s1 से s2 में यहां पर एंट्रोपी में चेंज कितना आया? s1 से कहां चली गई? s2 में। वॉल्यूम में चेंज कितना है? v1 से कहां चला गया वॉल्यूम? v2 में। तो इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, तो यहां पर डेल्टा s का वैल्यू कितना आ जाएगा? नाउ लुक एट इट, सो डेल्टा s इज इक्वल्स टू n r ln ऑफ v2 / v1। ये आएगा, इंटीग्रेशन करोगे ना दोनों तरफ। यहां पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसे होगा। यहां पर ds ऑफ, यहां पर क्या हुआ? n r del v dv / v, ये हुआ। यहां पर दोनों तरफ क्या कर दो, s1 और s2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, ये डेरिवेशन करवा रखे हैं आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। और यहां पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? v1 से v2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज अगेन del x s2 - s1 व्हिच इज इक्वल्स टू dv / v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln of v, log of v। तो फार्मूला क्या आ गया? n r ln of v2 / v1। ये मैंने वहां अप्लाई किया है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज रख दी और आंसर आ जाएगा। सो फाइनली डेल्टा s का वैल्यू कितना आ गया? n नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 2। तो यहां पर कितना रखा है? 2। r की वैल्यू कितनी होगी? 8.314, जो कि आपको अगेन क्वेश्चन में दी हुई होगी, इनटू यहां पर क्या करना है? ln of v2 / v1। v2 का वैल्यू कितना है? 100, और v1 का वैल्यू 10। तो वो वैल्यू रख दो 100/10, तो कितना आ गया? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 2 × 8.314 * यहां पर ln ऑफ कितना आया है? यहां पर ये कैंसिल हो गया, ln ऑफ 10। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1। तो 2 × 2.303 * क्या करना? 8.314, और log of 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब इस अंदाजा लगा लेंगे हम लोग क्वेश्चन के आंसर का क्या होगा, ये है अप्रोक्सीमेटली 8 × 4 32 अराउंड आंसर आना चाहिए, लेकिन करीब करीब आंसर है 35, मतलब 32 से ज्यादा ही आना चाहिए ना, क्लियर है? तो ये आंसर आ गया हमारे पास बी। अगर ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आंसर बड़ा इजी, बट बी आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज 2.3 और 8.314। तो ये 8 × 4 तो दिखाई दे रहा है 32, और अगर पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करें तो 32 से ज्यादा होना चाहिए, 38 तक तो आई थिंक मिल जाएगा, तो ये बी आंसर। बट फिर भी आप क्या करो, अपनी कंफर्मेशन के लिए उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? ये
आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला मैं यहां फिर से लिख देता हूं, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन आर ln ऑफ वी2 बाय वी1। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, ये मैंने ड्राइव करवा चुका हूं, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए जरा ध्यान से फिर से, क्योंकि विल क्या है डेल्टा इनटू पी डब्ल्यू, डेल्टा में चेंज आएगा नहीं तो पी डब्ल्यू यहां से पी, क्योंकि आईडी मान के चल रहा है गैस को जो एक्सपेंड हुई है, तो पी वी स्क्वायर एनआरटी मैंने लगा दिया, एनआरटी बाय मैंने यहां रख दिया, इस क्यू की वैल्यू उठा के इसके ऊपर रख दी, तो फाइनली डी से डी कैंसिल हो गया, एनआर इनटू क्या बचा डेल्टा बाय वी, तो यहां से मैंने इसको इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और उसमें एन का वैल्यू दे रखा है 2, आर का वैल्यू कितना है 0.314, और वी2 का वैल्यू 100 और वी1 का वैल्यू 10, इसे सॉल्व कर लिया वो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई 2013 का क्वेश्चन है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, अ पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस ये है, एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 एमएल टू 375 एमएल, देखिए यहां पर गैस एक्सपेंड हो रहा है पहली चीज की, ठीक है, तो एक्सपेंड हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर है सबको, अब आगे देखते हैं, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इसमें टेंपरेचर इन्होंने क्या रखा है कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दिया हुआ है आपको, एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब, कितनी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 208 जूल हीट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एक्सपेंड होगा, तो ये हीट आप सिस्टम को दे रहे हो, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, फॉर द प्रोसेस विल बी, आर का वैल्यू दे रखा है, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको लॉगरिथमिक टेबल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती, एलएन की वैल्यू आपको दे देता हूं, चलिए तो अगर इस क्वेश्चन को देखें आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर ढंग से दिमाग लगा लिया जाए तो, कैसे आप क्वेश्चन से ही सीधे आंसर निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, आपको पता है कि आपने हीट दिया सिस्टम को हीट दिया है, हीट गिवन टू द सिस्टम वो क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जो भी आनी है वो कैसी आएगी पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा एक्सपेंड हुआ है पिस्टन ऊपर उठा है, इसका मतलब क्या हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ऐसा आप लोग जो है पेयर ढूंढ लो, देखिए क्यू की वैल्यू पहले ऑप्शन में क्या है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव तो ये नहीं हो सकता, दूसरे ऑप्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो ये आंसर हो सकता है, अब चेक करो कि सिमिलर आंसर तो नहीं है, तो यहां पर ये नेगेटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका क्या होने वाला है बी, अगर फिर भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो बड़ा आसान है, यहां पर देखिए टोटल क्यू, देखिए क्यू प्रोसेस के लिए निकालना है तो जितनी ऑब्जर्व के लिए उतनी तो होगी, तो कितनी ऑब्जर्व की है वही क्यू होगा, और क्यू आएगी पॉजिटिव 208, ये लीजिए क्लियर है, तो क्यू तो मिल गया आपको, अच्छा डब्ल्यू 208 क्यों आ रहा है जरा उसका चेक करो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मेरे लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा, बहुत तक में देखिएगा जाके, सो फाइनली अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है माइनस एन आर टी, ठीक है, ln ऑफ वी2 बाय वी1, ये फॉर्मूला लगाया जाता है, अब फिर इसको आप चेंज कर दो लॉग में तो w इक्वल्स टू क्या होगा माइनस n r t साथ में 2.303 ln किस में चेंज होएगा लॉग बेस 10 v2 / v1 एक्सपेंशन के लिए, ये फार्मूला होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और वो नेगेटिव पे होता है, तो यहां पर w की वैल्यू कितना आ गया माइनस n की वैल्यू 2.303 * n की वैल्यू कितनी दे रखी है ये भी आपके पास, देखिए अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं, और अगर थोड़े से भी आप स्मार्टली अगर देख ले तो आंसर सीधे ही आ सकता है, तो 0.04 तो साथ में आंसर वैल्यू कितनी होगी 8.34 * t का वैल्यू कितना है 37 27 में 300 होता है 37 310, तो 310 और * क्या कर देना log of base 10 v2 / v1 375 ml में है ml से ml कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय 50, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद माइनस वही सेम 208 जूल, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया, आंसर क्या है इसका बी, चलिए